हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मैं प्रदीप जांगड़ा आपका स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। सो काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद ही मैं लाइब्रेरी में मैंने आना शुरू किया है सीटी के एग्ज़ाम के बाद से ही। सो आज मुझे लाइब्रेरी में तीसरा चौथा दिन है आते हुए, और अभी ना मैं सबसे पहले मैथ कर रहा हूँ। सो सीटी का रिजल्ट आने के बाद हम सभी को पता चल चुका है कि हमें कितना और पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। सो उसी के बेस पे मैंने लाइब्रेरी शुरू कर दी है। चाहे जो सीटी मेंस होगा वो आज हो, कल हो, या 3 महीने बाद हो, तब तक लाइब्रेरी में ही रहेंगे, और अपना जो भी नॉलेज है, जो सब्जेक्ट है, उसको और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सो आज मैंने आके जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट हैं उन सभी का मैंने करफली रिविज़न किया है, और कल या परसों से फिर सही से अच्छे से पढ़ा करेंगे। जो भी मेरे वीक सब्जेक्ट हैं या वीक टॉपिक हैं उन पर मेरा ध्यान अभी रहने वाला है, क्योंकि उनको भी स्ट्रॉन्ग करना है। जिनकी वजह से नंबर कटते हैं उन पे यदि हम नहीं ध्यान देंगे तो फिर वो ऐसे ही हमारा स्कोर कम आएगा। जो सीटी मेंस एग्ज़ाम के लिए ग्रुप सी के लिए 54 ग्रुप जो बनाए गए हैं उनमें से मैं किन किन ग्रुप में अप्लाई कर सकता हूँ उसके बारे में डिस्कस करूँगा, और ये सभी ग्रुप अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से बनाए गए हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट अपने फील्ड में एक्सपर्ट है वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सके, और उसमें उसी का सिलेबस आने वाला है 50 से 70% तक का। सो जो अभी तक नोटिस तो आया नहीं, PDF वगैरह जो प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट पे वो तो आया नहीं, न्यूज़पेपर में ये आया था उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। तो जो पहला ग्रुप है जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या करूँगा, एक तो है जो सेकेंड ग्रुप है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। इसमें कुल 443 पद हैं एग्ज़ाम का लेवल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। सो काफ़ी इसमें ये पोस्टें हैं, जैसे सहायक प्रोजेक्ट अफसर के 10 हैं, ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर के 40 हैं, जेई इलेक्ट्रिकल के 385 हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए मैं इसमें फॉर्म भरूँगा, और इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है मेरा जिसमें मैं अप्लाई करूँगा, एक है जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल का ग्रुप है हमारा, ग्रुप नंबर 52 इसमें, और ग्रुप नंबर 53 जो कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल के लिए, ठीक है। तो 3 ग्रुप हैं मेरे लिए, यदि इनमें मेरा नाम 4 टाइम्स में आता है तो इस एग्ज़ाम में दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी अलग जो और ग्रुप हैं वो अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से हैं, जो कि मेरे पास है नहीं है। बाकी देखते हैं हमारा एग्ज़ाम कब होगा, जो सीटी मेंस का होगा। अभी तक तो मार्च में बोल रहे थे, लेकिन शायद मार्च से भी थोड़ा 1 महीना लेट चला जाए, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, लेकिन जब भी होगा एग्ज़ाम तो देना ही है। तब तक तैयारी अपनी करते रहें, और पूरा मतलब 3-4 महीने का काम है ये सारा, 3-4 महीने में ही सब एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम फ्री रहने पे ही हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, यही आपके साथ मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।